दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। जो नया दोस्त कारोबार करना चाह रहा है वो शदीद तरीन गलती कर रहा है, मैं समेत हम जनाब आली मशीनरी भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, काम सीखने में भी कामयाब हो जाते हैं, प्रोडक्ट बनाने भी कामयाब हो जाते हैं। 2 ढाई सालों में 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद दूसरा साल है मार्केटिंग समझ में ही नहीं आ रही। शदीद तरीन मुश्किल तरीन जो जॉब है वो मार्केटिंग है जनाब। वॉशिंग पाउडर हो, होम प्रोडक्ट्स के जितने भी आइटम हैं आप मार्केट में लेके जाएं, 80% 100% उधार पे काम चल रहा है। केश पे पूरा साल में बैठा रहा, भाई मैं उधार नहीं दूंगा। बेहतरीन माल तैयार करके 2.5 करोड़ का जनाब अली फैक्ट्री सामान हर चीज़ बना, बेहतरीन चीज़ बना के मार्केट में लेके आया। तकरीबन 1 साल से एक पूरे साल में 2 लाख भी सेल नहीं कर सका। अगले साल से उधार पे माल जनाब फेंका है। पता पड़ा कि जनाब यहाँ तो 2 करोड़ का मैन्युफैक्चरर हजरात बड़े बड़े ट्राले फेंक के चले जाते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद आते हैं पैसे लेने। अगर कोई किसी ने पैसा दिया या नहीं दिया फिर माल फेंक के चले जाते हैं। तो मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, यूट्यूब में हमारे जैसे जैसे एडवाइज़र हैं जो कहते हैं कि भाई भाई अभी काम शुरू करो, बस कल 2 लाख रुपए हर महीने कमाओ, कोई मसला नहीं है, उदारा उनकी बातों में नहीं आओ। जो जना केमिकल वाला वाला कहता है 5 लाख का केमिकल लेके जाओ, इस तरह बनाओ 2 लाख महीना, तो कोई मसला ही नहीं है। यार इन्हीं चिकनी चिकनी बातों में आकर हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट में पहले ही 40 आदमी करोड़पतियों का माल पड़ा हुआ है, वो उधार पे है टोटल। वो जनाब दुकानदार आप ही के पैसे से वो माल सेल करेगा, आपका माल जब वो सेल होके उनके कैश हाथ में आएगा आपको पैसे देगा, वो भी किस्तों में, 2-2 3-3 महीने की किस्तों में। सो यार दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केटिंग पहले सीखें, कहीं किसी फैक्ट्री में चलती हुई फैक्ट्री में मुलाजिम बन जाए, मुफ्त में मुलाजिम बन जाए, मार्केटिंग 2-3 साल का तजर्बा सीखे, उसके बाद फैक्ट्री लगाएं तो 2 पैसे कमाने के चांस हैं। नहीं तो मेरी तरह 2.5 करोड़ 3 करोड़ के पैसे फंसा के मार्केटिंग में पहले ही लोग बैठे हुए हैं, 20-25 लाख मार्केट में कुछ भी नहीं है, 30-40 लाख मार्केटिंग के लिए मस्ट है, होने चाहिए। छोटे पैमाने वाले को बेचारे दुकानदार या छोटे पैमाने पे जो घर में बना रहे आइटम उनको तो दुकानदार खड़ा हो दुकान पे अंदर घुसने भी नहीं देता, इतना मुश्किल है मार्केटिंग। जो भी हम जैसे जो भी मार्केटिंग का जनाब आले लेक्चर देते हैं, जनाब आले सामने से आपकी चीज़ पड़ी होनी चाहिए, जनाब आले की कैसे दुकानदार को डील करें, सब जो है बकवास है। वो उनको तो जो करोड़ों का माल दुकान में फेंक के चले जाते हैं, सिर्फ वो उनकी बात सुनते हैं। तो बराए करम मार्केटिंग को दोस्त पहले सीखे, मार्केटिंग नहीं सीखेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। कारखाने लगाने के लिए 10 लाख मिल जाए वो तो मिल जाते हैं, आपने जमा किया कारखाना भी लगाया, अरे भाई इसको अब सेल कैसे करोगे, ठीक है ना जनाब। मैं तो दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले मार्केटिंग का काम सीखो, उसके बाद फैक्ट्री लगाओ। तो 2 दिन पहले किसी दोस्त ने टेलीफोन किया, बेचारा रो रहा था, मैं तो लुट गया, तबाह हो गया,